Welcome to BBPN online classes. I have written few sentences. Monday is dash day of the week for us. एस लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है क्योंकि फर्स्ट थिंग इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी एस का यूज नहीं किया गया है. सेकंड थिंग देन हमें देखने को नहीं मिलता, तो कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं है. फिर कोई कंपैरिजन भी हमें शो नहीं हो रहा है. बिजी लिखा हुआ है. हम सबको पता है कि वीकेंड के बाद में जब डेज ओपन होते हैं वर्किंग डेज, तो फर्स्ट डे होता है मंडे, तो ये रहेगा बिजिएस्ट. तो मंडे इज बिजिएस्ट या फिर बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक फॉर अस. तो इसे हमने लिखा बिजी के अकॉर्डिंगली बिजिएस्ट. ठीक है, इसकी सुपरलेटिव फॉर्म. सेकंड वन इज मानसी इज डैश देन पूर्वी बाय वन ईयर. देन का यूज आपको दिखाई दिया, इट मीन्स ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा कि या तो हम ईआर का करते हैं यूज या फिर मोर का करते हैं. ठीक है, तो ये एक सिलेबल वर्ड है इसलिए हम इसमें ईआर का यूज करेंगे. तो हमारा सेंटेंस बनेगा मानसी इज ओल्डर देन पूर्वी बाय वन ईयर. ठीक है, मानसी जो है वो पूर्वी से एक साल बड़ी है. ठीक है, सो इस तरीके से हमें हिंट दिए हुए रहेंगे और हमें उनको रिकॉग्नाइज करके जो राइट फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो फिल करनी है. द थर्ड वन इज अमिता ड्रेसेस डैश गुड इन द क्लास. ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा गया है, इट मीन्स इट इज सुपरलेटिव डिग्री. और गुड जो है ये क्या है, एक इररेगुलर वर्ब है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट. तो अमिता ड्रेसेस बेस्ट इन द क्लास. सो इस तरीके से एक्सरसाइजेस जो हैं हमें दी गई रहेंगी. हमें ये कहा जाएगा कि आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करिए, कंपैरेटिव का यूज़ करिए या फिर सुपरलेटिव का डिग्री का यूज़ करिए. हिंट जो हैं वो आपको दिए हुए रहेंगे, वर्ब फॉर्म जो है वो आपको दी हुई रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस में फिल करना रहेगा. देन वन मोर थिंग इज देयर कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, नो वन इज एज हार्ड वर्किंग एज माई मदर. ठीक है, एज का यूज दिखा, तो इट मीन्स ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री में हो गया. अब मुझे इस पॉजिटिव डिग्री को कहा जाएगा कि आप जो है सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए. तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, माई मदर. ठीक है, माई मदर की बात हो रही है, तो माई मदर इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग. ओके, सो यहां पर जो है वो हमने क्या किया, द का यूज कर दिया, मोस्ट का यूज कर दिया और हमने कह दिया कि मेरी मदर जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है. फिर हमें ये कह देंगे कि इस सेंटेंसेस को आप क्या करो, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करोगे. तो हम क्या करेंगे, नो वन इज एज हार्ड वर्कर एज माई मदर. ये किस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में. तो जब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव में दो लोगों के साथ में इसको यूज कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे No one is more hardworking than my mother. Okay? So mainly इस टाइप के एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपको दी जाएंगी. आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे जो कि अकॉर्डिंगली आपको अगर रिकोगनाइज करके पॉजिटिव, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में फिल करने हैं. या फिर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपको या तो ये कहा जाएगा कि आप सुपरलेटिव में चेंज करिए या फिर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.